पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा नेता दिग्विजय सिंह के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। नरोत्तम दिग्विजय सिंह और उनके परिवार से मिलने उनके निवास पर भी पहुंचे। गौरतलब है कि रात के समय कुछ अराजक तत्वों ने दिग्विजय सिंह के घर में फायरिंग की और धमकी दी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे और परिवारजनों को विश्वास दिलाया कि पूरा भाजपा परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि माफियाओं की समय सीमा सिर्फ 2 मई तक है, उसके बाद माफिया जेल में होंगे। उन्होंने कहा माफिया भ्रम में ना रहे कि वे कहीं छुप जाएंगे, जहां रहेंगे खोज के निकालेंगे। नरोत्तम ने कहा तुम्हारी बौखलाहट बताती है कि निर्ममता दीदी जाने वाली है और मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ 2 मई दीदी गई। नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कलेक्टर और एसपी टीएमसी के कार्यकर्ता की भूमिका में कार्य करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। सरकारें आती हैं और जाती हैं, वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें। उन्होंने कहा जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। भाजपा की सरकार बनते ही ऐसे अराजक तत्वों को उनके सही स्थान में पहुंचा दिया जाएगा। हम रोजगार विकास की बात करते हैं, ममता दीदी खेला होवे की बात करती हैं। नरोत्तम ने कहा गृहमंत्री अमित शाह की पैनी नज़र पूरे पश्चिम बंगाल में है। दीदी है पंचायत चुनाव नहीं है कि आप मनमानी करेंगी, सीआरपीएफ की निगरानी में होगा पूरा चुनाव। देखिए ये जो तृणमूल के गुंडे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया और माफियाओं के सरगना बौखलाहट में है, ये उनकी समझ में आ रहा है कि दीदी जा रही है, 2 मई तो दीदी गई, ये मुहावरा सबकी जवान पे, और बौखलाहट में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के प्रबुद्ध जन हैं, आपको बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में से एक दिग्विजय है, और दिग्विजय के ऊपर जो कोशिश की गई उनके घर पर, उसकी निंदा करने के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है दिग्विजय के लिए जान लगा देगा, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता। आज दिग्विजय अकेला नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहे और इस भ्रम में भी नहीं रहे कि वो हमसे बच जाएंगे या कहीं छुप जाएंगे। पाताल में भी छुपे होंगे तो खींच के निकाल के लाएंगे। और इस तरह के जितने माफिया और सरगना हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी समय सीमा तय है 2 मई, 3 मई से सब सलाखों के पीछे होंगे, एक भी नहीं बचेगा, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, घर में घुस के निकाल के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सब जेल के अंदर होंगे, हथकड़ियों के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा के नीचे होंगे। हमने बताया कि ये सब तृणमूल के द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो भाजपा को डराना चाहते हैं, और हम डरने वाले नहीं हैं। शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। Life is about to change, eh? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके future के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका future already secured हो तो? Really? Daddy बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, holidays छोड़ दूंगा। Smart लोगों की clear है priority, बाकी सब बाद में। Cute वाले मेहमान से पहले LIC. बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने कितने कितने
कितने, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।